नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग रचती हुई नजर आ रही हैं मनमीत पहलवान की मॉम, क्योंकि मनमीत पहलवान की मॉम को इस समय डर लग रहा है इस समय मीत हुड्डा से, क्योंकि मीत हुड्डा ने जिस तरीका से चैलेंज दिया है और बोला है कि मैं जल्द से जल्द तुझे इस घर से लड़की बाहर कर दूंगी। लेकिन दोस्तों, मीत हुड्डा तब तक इस घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक वो पूरी तरीका से यहाँ से प्रॉपर्टी की वसीयत ना ले लें। जी हाँ, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी पूरी तरीका से लेने हैं। और मीत हुड्डा की बात की जाए तो उसे पता है कि मनमीत पहलवान, उसके फादर सरकार और मनमीत पहलवान की मॉम लगातार उसके ऊपर जो कि जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा से ही कहीं ना कहीं सब लोगों के साथ में खड़ी हुई नज़र आती हैं, क्योंकि मीत हुड्डा हमेशा आवाज़ उठाती हैं अपनी। और इधर बात की जाए मनमीत पहलवान की, तो मनमीत पहलवान अब बोलते हुए नज़र आने वाले हैं। मनमीत पहलवान बोलेंगे कि इस लड़की का तो मैं यहाँ पे जीना दुश्वार कर दूंगा, क्योंकि मनमीत पहलवान का जीना दुश्वार किस तरीके से करेंगे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर गलत गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आने वाले हैं। और गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाने का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि क्यों लगा रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड में जहाँ एक बार फिर से चोरी का आरोप भी लगाते हुए नजर आएंगे मीत हुड्डा के ऊपर मनमीत पहलवान की मॉम और मनमीत पहलवान के फादर यानी कि सरकार, क्योंकि सरकारपुर में जितना भी हो सकता है इन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है मीत हुड्डा को। और मीत हुड्डा को इसलिए भगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। लेकिन मीत हुड्डा ने कसम खाई है कि वो अपने पति के सपने को बिगड़ साकार करे हुए नहीं जा सकती। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा।